हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम का नुज़ूल क़यामत से पहले कब, कैसे और किस तरह से होगा। हदीस पाक में आता है कि हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी हत्ता के तुम्हारे दरमियान हजरत ईसा बिन मरियम हाकिम और अदिल बनकर नाजिल हो गए। वो सलीब को तोड़ डालेंगे, खंजीर को कत्ल करेंगे, जिजाए यानी के जंग का खात्मा करेंगे और फिर माल कसरत होगा हत्ता के इससे कबूल करने वाला कोई नहीं होगा। एक और जगह इरशाद है कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे नसीब कैसे यानी अच्छे होगे जब तुम्हारे दरमियान ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम नाजिल होगे और तुम्हारा ईमान इस वक्त खुद तुम में से होगा यानी इमाम महदी अलैहिस्सलाम। एक और हदीस पाक में आता है कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, जरूर उतरेगे तुम में वो सलीब तोड़ेगे, जंजीर और दौलत करेगे, जजिये को मौका के उसे देगे, कोई लेने वाला नहीं होगा और हालात ये हो जाएंगे कि एक सजदा कर लेना दुनिया और दुनिया की तमाम चीजों से बेहतर होगा। फिर हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर चाहो तो तुम ये आयात पढ़ लो और देख लो, जिसका तर्जुमा ये है, और अहले किताब में से कोई भी ऐसा नहीं बचेगा जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से पहले इन पर ईमान ना लाए। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।